हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SP जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं रमेश थिलक तिलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो पक्कीरिन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन SP जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार
और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो पिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था।
ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुडी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्की क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे।
वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे SP जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलयान रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक तिलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पक्कीरिन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन SP जननाथन ने किया है जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा ओतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि
फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है। यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे SP जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो पिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुडी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन SP जननाथन ने किया है जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रोस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है। यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर
बढ़ने की वजह यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे SP जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू उनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका उनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुडी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन SP जननाथन ने किया है जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें
गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे SP जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो पक्कीरिन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन SP जननाथन ने किया है जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की
तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व का है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SP जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो पक्कीरी निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन SP जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य
प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुडी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्की क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स
यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक तिलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं।
लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टिल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पक्कीरी निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है। यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे
एस पी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार है। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्की क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एस पी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एस पी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन,
हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। राम जी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक तिलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के
के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टिल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पक्कीरी निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के
ली मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, अंशिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन SP जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SP जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को
थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीन के रूप में हैं, रमेश थिलक तिलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पक्कीरिन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कु अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली नकारात्मक समीक्षा मिली
और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीन के रूप में हैं रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह
जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू उनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका उनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीन के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी।
बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू उनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका उनंगन मुड़ी के सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक तिलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पक्कीरिन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमानुष संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति,
जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगंग मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्की क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका
उनंगंग मुडी की सहायक रूप में है। कलयान रासन बीन के रूप में हैं। रमेश थिलक तेलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनंगा मुडी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्की क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है। यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुडी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुडी की सहायक रूप में है, कलयान रासन बीन के रूप में हैं, रमेश
तिलक तिलसम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मूडी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्की क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कु अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक तिलसम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन
निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्की क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका
मूडी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्की क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन SP जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SP जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीन के रूप में हैं, रमेश थिलक टेलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पक्कीरिन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है
और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पकड़ी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंडट्रैक के बारे में, तो फ्रेंड्स संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे, तो फ्रेंड्स यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो पक्कीरी निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है।
बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पकड़ी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन SP जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे SP जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुडी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पकड़ी क्लारा
की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पोक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पक्कीरिन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है।
बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है, जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था, इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फ्रॉस्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है, यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन हंसिका और कलैयारसन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएटरिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेलसाम के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो पक्कीरी निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान वनंगा मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है,
जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा पोतुवुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है। यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। लाबाम एक 2021 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एसपी जननाथन ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय सेतुपति और जगपति बाबू के साथ श्रुति हसन, हंसिका और कलयारासन प्रमुख भूमिका में हैं। रामजी को छायाकार के रूप में नियुक्त किया गया था जबकि डी इमान संगीतकार हैं। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। फिल्म 9 सितंबर 2021 को थिएट्रिकल रूप से रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। निर्देशक के रूप में यह जननाथन की अंतिम फिल्म होगी और मरणोपरांत रिलीज होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, पक्कीरी सामी के रूप में हैं विजय सेतुपति, जगपति बाबू वनंगन मुड़ी के रूप में हैं, क्लारा के रूप में श्रुति हसन, हंसिका वनंगन मुड़ी की सहायक रूप में है, कलैया रासन बीनी के रूप में हैं, रमेश थिलक टेल्सा के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं। बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो विक्रीन निर्वासन के बाद अपने मूल स्थान पर लौटता है और सीधे ग्राम प्रधान उनका मुड़ी से मुकाबला करता है। स्थानीय लोगों के समर्थन से वह गांव का अध्यक्ष बन जाता है और अपनी तकनीकों से कृषि को एक नया स्पर्श देने का निर्णय लेता है। बाकी की कहानी इस बारे में है कि कैसे पक्कीरी क्लारा की मदद से स्थानीय गुंडों को नियंत्रित करती है और विजयी होती है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फ्रेंड्स, फिल्म का निर्देशन एसपी जननाथन ने किया है जिन्होंने 2015 में रिलीज हुई पुरम पुक्कू अंगिरा
पोतुदा मई के लिए काम करने के बाद निर्देशन में कुछ समय के लिए वापसी की। लाबाम के लिए मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 को शुरू हुई। विजय सेतुपति को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए मुख्य पुरुष अभी भूमिका में लिया गया था। क्लारा की भूमिका के लिए शुरुआत में कृति शेट्टी पर विचार किया गया था। इससे पहले कि श्रुति हसन ने यह भूमिका निभाने की पुष्टि की थी। 14 मार्च 2021 को फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्शन चरण के दौरान जननाथन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार लाबाम एक निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म बन गई है। बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो फ्रेंड्स, संगीत डी इमान द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने विजय सेतुपति के साथ चौथी बार और जननाथन के साथ पहली बार एकमात्र बार सहयोग किया था। ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज द्वारा हासिल किए गए थे। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि फिल्म की कहानी काफ़ी खंडित है। यह एक घटना से दूसरी घटना की ओर बढ़ने के बजाय यह एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की ओर तेजी से बढ़ती है और हमें गति का गलत एहसास देती है। द हिंदू ने इसे एक फिल्म की तुलना में एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक नायक का अधिक दृश्य प्रतिनिधित्व कहा है। बात करें मूवी के होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख पाएंगे तो फ्रेंड्स, यह फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। मतलब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।